नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन पहले जयपुर दौरे पर आए। उस दौरान उन्होंने अपने योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे सवाल जवाब किए। लेकिन राजस्थान में मोदी के दौरे के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा और वो थमता नजर नहीं आ रहा है। बात कांग्रेस से करें तो जयपुर शहर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर निशाना साधते हुए पैदल मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है भाजपा ने, और अगर सरकारी कार्यक्रम था तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मंच पर क्यों बैठाया गया। सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने मार्च किया निकाला। करीब 4 किलोमीटर लंबे इस दौरे को भीगती बारिश में कांग्रेस नेताओं ने तय किया। हम आपको मजमून में दिखाएंगे कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और कैसे खारिज कर रही हैं बीजेपी से। एक हफ्ते का समय बीत चुका है लेकिन इस पर राजनीति कम होती नहीं दिख रही है। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी सरकार पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर विरोध स्वरूप सोमवार को पैदल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर भी है, अगर यह सरकारी कार्यक्रम था तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मंच पर क्यों बिठाया गया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में अब बीजेपी के दिन पूरे हो गए हैं। खरबों रुपए खर्च किए, इस पैसे से कितने स्कूल खोल सकते थे, कितने अस्पताल खोल सकते थे। वो 150 किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं, मुझे खुशी होती अगर ये सारा पैसा उनके परिवार को देंगे। और वसुंधरा जी को खरबों रुपए खर्च कर लोगों को लाया गया, जन संवाद का काम दिया गया। अब 2-4 वीडियो क्लिप पहले के रिकॉर्डेड थे और प्रधानमंत्री जी भी यहां पर आए, हमें लगा बहुत बड़ी कोई घोषणा करेंगे, कोई स्टेट को पैकेज देंगे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए। वही जो कार्यक्रम चल रहे थे पहले से, अगर बटन दबा के काम करना था तो दिल्ली से कर लेते। इधर इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कांग्रेस इस मामले को बिना बात के तूल दे रही है। कांग्रेस के पास कुछ बताने को नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके के विरोध कर रही है। बुनियाद है आरोप, प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल कैपेसिटी में आए और राज्य सरकार ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रोग्राम कर रही है। प्रधानमंत्री देश के हैं या किसी पार्टी के हैं? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा और उसमें सरकार सहयोग नहीं करेगी, ये आपने कहां देख लिया? कांग्रेस के लोग क्या समर्थन करेंगे? कांग्रेस के लोग विरोध में हैं, जनता ने उनको विरोध के लायक भी नहीं रखा। 21 सीटें आई है, 2 सीट कम आ जाती तो उनको विरोधी दल का दर्जा भी नहीं मिलता। पीएम की यात्रा पर आने से पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया था। हाल ही में बीजेपी से अलग हुए वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने भी पीएम के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी को घेरा था। पीएम का यह दौरा एक तरह से चुनावी शंखनाद था और कांग्रेस भी राजस्थान में दोबारा सत्ता में आना चाहती है। यही कारण है कि पीएम यात्रा हो या अन्य दूसरे मुद्दे, कांग्रेस पूरे जोर शोर से उन मुद्दों को उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी। तो चलिए, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर यात्रा किस तरह से सियासत को जन्म दे गई। हालांकि पहली मरतबा नहीं है, जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो राजनीतिक दल इसी तरह से कुछ ना कुछ उसमें मेन मेक निकालते हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ हाल ही में जिस दिन सभा थी उसी दिन भारत वाहिनी के अध्यक्ष और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ चुके घनश्याम तिवारी जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका भी आरोप था कि सबसे बड़ा सभा घोटाला होगा। उन्होंने ये इस घोटाले को अलग नाम दिया है। खैर, देखते हैं कि कांग्रेस को आखिर ये सब कुछ क्यों लग रहा है, ऐसा क्या पहली बार वो है या फिर पहले भी होता रहा है। शिलजा भाई जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इस वक्त भाजपा के सीनियर लीडर हैं। शिल जी, कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से निशाना साध रही है और शहर कांग्रेस ने मार्च निकाला है। सचिन पायलट को भी आपने सुना भी है, उन्होंने कहा है कि पैसे का दुरुपयोग है और राजनीति की एक नई दिशा तय करना चाहती है भाजपा। योगेंद्र जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से 2-2.5 लाख की संख्या में लाभार्थी आए,
तो जो ये कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि योजनाएं हैं लेकिन जनता तक कोई लाभ नहीं पहुंचा और जो है पैसे का घोटाला होता रहा, आज पूरे देश ने ये देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, जो योजनाएं उन्होंने चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन लाभार्थियों को सबके सामने दिखा दिया लाकर और उनसे जिस तरह से जनसंवाद किया, ये इस बात का प्रतीक है कि योजनाओं का लाभ वहां पर पहुंचा है। और ये पहली बार हुआ है कि देखिए 2 लाख लाभार्थी जब जनता के बीच में सामने आए हैं तो ये पहली बार हुआ है। एक नया कहना चाहिए कि एक नई दिशा की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम है। कांग्रेस समझती है कि अगर हमने भी जो काम कराए हम इसको क्यों नहीं कर पाए, तो एक हताशा और जिस तरह का जो एंटी इनकम्बेंसी की कांग्रेस बार बार बात कर रही थी उसका ये जवाब है। और अभी जो सर्वे भी हुआ है उसमें भी ये आप देख रहे हैं कि जो आम जनता वो आज भी उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। राजस्थान की जनता ने जो जिस तरह से अपने एजेंडे में जो अपना एजेंडा उन्होंने रखा था, वो जो जनता के लाभ के लिए जो बात करी थी, चाहे वो किसानों की बात हो चाहे विद्यार्थियों की बात हो या ये स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, कन्या सुरक्षा की बात हो या महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, तो सारी जिस तरह से चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में करें एक नवाचार पैदा किए, तो ये जो महिलाओं की जहां तक बात करें जिस तरह से उज्ज्वला योजना कि लाभार्थी जो रूबरू हुए उन्होंने खुद बताया, और जो स्किल डेवलपमेंट की बात करूं, मुद्रा योजना की बात करूं, तो जो लाभार्थी उन्होंने खुद जनता को बताया किस तरह से हमने लाभ उठा करके अपना रोजगार शामिल किया है। तो ये जिस तरह से हताशा कांग्रेस में आई है, जो बाई इलेक्शन में जो 3 सीटें क्या जीती, जिस तरह से वो आसमान में उनके हौसले बुलंद हो रहे थे, एक तरह से जो निराशा कांग्रेस में आई है उसका रूप आप सामने देख रहे हैं। अभी निराशा है, निराशा कांग्रेस में किस लिहाज से आई, अभी को उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ तो निराशा किस बात की, कैसी निराशा? देखिए निराशा इस बात की आई है कि अब तक वो ढोल पीट पीट कर कह रहे थे कि सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार, योजनाएं लागू नहीं करती। अब उन्होंने 2.5 लाख लोग लाभार्थियों को सामने देखा है, अब उनका कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये इस तरह की बयान कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये बार बार ये कह रहे हैं जैसे प्रताप सिंह खाजरियावा जी कह रहे हैं कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है जो वहां पर क्यों बैठे थे सरकारी कार्यक्रम में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो राज्यसभा के मेंबर है। जब प्रधानमंत्री वहां पर आता है तो ये प्रोटोकॉल के तहत वहां पर उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है जी। लेकिन उनका ऑब्जेक्शन ये है कि राज्यसभा सांसद और भी थे, और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राजस्थान के, कितने लोगों को बैठाया गया वहां पे? नहीं देखिए जरूरी नहीं है वो वहां पर उपस्थित हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बस प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ में जो उनके जो कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब आए तो प्रोटोकॉल के तहत उनका वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है, चाहे एयरपोर्ट पे हो चाहे उसमें मंच पर बैठने की बात हो, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मतलब व्यर्थ का लोगों को उनके, मैंने कहा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के बीच जाने के लिए कोई बात नहीं है, और चुनाव के 3 महीने रह गए हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के आने से जिस तरह से वातावरण में चेंज हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, तो वो अपने आप में एक सफलता की कहानी कह रही है कि 2018 में और 2019 में क्या होने वाला है। चलिए सुशील जी, 2018 और 2019 से पहले कई चीजें नई सामने आएंगे, तो शिल्दाबा जी का कहना है कि कांग्रेस गड़े मुर्दे उठाने की कोशिश कर रही है और ये एक अलग किस्म की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष को बैठाना, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, इस नाते उन्हें मंच पर बैठाया गया, लेकिन यही आरोप कांग्रेस लगा रही है। और सचिन पायलट ने भी इस बात को उठाया था कि राज्यसभा सांसद और भी यहां से हैं, लोकसभा के 25 सांसद प्रदेश ने दिए हैं, कितने सांसदों को वहां पर बैठाया गया, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात तक नहीं की, तो सीधा मैसेज जाता है कि ये सरकारी खाते में भाजपा की एक रैली की गई और भाजपा के लोगों को बुला करके यहाँ पे वाई लूटरी जा रही है। पैसे का दुरुपयोग इस मायने में भी है कि सरकारी वाहन लगा करके कलेक्टरों को आदेश दिया गया था कि उनके खाने रहने पीने सबकी व्यवस्था की जाए, और रैली में भीड़ जुटाने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया था, इसे स्कैम बता रही है कांग्रेस। शिल जी, यह एक आपने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी इसका नाम यही रखा गया था। यहां कांग्रेस एक बात कह रही है कि कलेक्टर्स को निर्देश जो दिए गए थे वो केवल रैली को सफल बनाने के लिए दिए गए थे और
रैली में प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा ही कुछ था तो एक आम पब्लिक से सवाल जवाब होने चाहिए थे कि या पब्लिक के बीच में जाके पूछते कि योजनाओं की हकीकत क्या है। महज केवल चुनाव से ठीक पहले चुनावी शंखनाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस सभा को बुलाया और प्रदेश भाजपा का बैनर वहां होना होता तो कम से कम ये लगता कि चले पार्टी ने बुलाया है और सरकारी पैसे पर बीजेपी का एक सम्मेलन कराया गया है, ये सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए बिल्कुल बहुत ही बेबुनियाद और हास्यास्पद आरोप है। जो लाभार्थी थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, एक आम व्यक्ति था, एक ऐसी महिला गरीब जिसकी आंखें जो धुएं में धुओं से जलते जलते जो जिस तरह से हो रहा था, उन्होंने 4.25 करोड़ जिस तरह से उज्ज्वला योजना के लिए फ्री गैस कनेक्शन दिए, वो सारी की सारी वहां पर लाभार्थी बैठे थे। वो लाभार्थी भी बैठे थे जिनको एक घर दिया, जिनको छत दी, और वो महिलाएं भी बैठी थी जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा था, जो मृत्यु सैया पे पड़े हुए थे, वो लोग वहां पर आए कि किस तरह से हमें जो सरकार की तरफ से भामाशाह स्वास्थ्य मिशन के तहत हमको जो पैसे मिले उनसे हमने इलाज किया। वो जनता के सामने कोई फर्जी डेटास नहीं थे, लोग सामने आके बात कर रहे थे। उसके बाद में सारे के सारे मंच पर भी आए थे और किसानों को जिस तरह ऋण माफ किया, वो लाभार्थी भी वहां पर आए थे। तो मैं जैसा पहले मैंने कहा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मेरा बूथ मेरा जूता ये कांग्रेस का एक कल्चर बन गया है, उनके हर बूथ पर जूतम पैजार हो रही है। उनके आपसी जो विवाद हैं, चाहे सचिन जी पायलट हो चाहे अशोक जी गहलोत हो, उनका जो मन बिटाव है, कार्यकर्ता बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। तो इस एक हताशा निराशा जो सामने नजर आ रही है, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये केंद्र तक राहुल गांधी तक में ये मैसेज गया है कि जिसको वो राजस्थान को अपनी जीत मान रहे थे कि राजस्थान इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है उनको। और राजस्थान की जनता ने सर्वे में ये बता दिया कि अब तक जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चले आपने एक बड़ा नाम और दे दिया कि हम आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों मेरा गौरव मेरा बूथ मेरा गौरव कांग्रेस एक कार्यक्रम चला रही है जिसको हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। लगभग 200 विधानसभा है, उनमें से 190 के आसपास से इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया है, जहां बची हुई है उसको जल्दी निपटा दिया जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का जवाब देने आएंगे, ऐसा कांग्रेस का दावा है। जगह तय की जा रही है कि अगस्त में कहां बुलाया जाए। हम आपको बता दें कि नवंबर आखिर या दिसंबर प्रथम सप्ताह में यहां पे मतदान होना है और 13 दिसंबर तक सरकार बनेगी। लेकिन अगर लोकसभा के साथ अगर चुनाव कराए जाएंगे तो यहां राष्ट्रपति शासन लगा करके थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है, जो एक चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले सियासी पारा जैसे जैसे नजदीक दिन आएंगे वैसे बढ़ता जाएगा। अगला महीना काफी महत्वपूर्ण है, दोनों ही पार्टियां यहां पे रैली निकालने वाली हैं और वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश के दौरे पे जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 15 सितंबर तक ये दौरा कंप्लीट कर पाएंगे। वो राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं को कवर करेंगे और अपनी यात्रा सुराज गौरव यात्रा के नाम से होगी, पब्लिक के बीच जाएंगे और पिछली जीत का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, साथ ही अगली जीत के लिए वो जनता से वोट भी मांगेंगे। तो ये तमाम वो पहलू हैं जो आने वाले दिनों में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस पूरे उसमें देखें तो बड़ी सभा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजधानी से एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री आए, भीड़ काफी थी। हालांकि ये कोई जरूरी भी नहीं है कि भीड़ जो है वो आपके मत में तब्दील हो। बीजेपी का यह भी दावा है कि प्रदेश में जितने लाभार्थी हैं उनमें से 1% जयपुर आए थे और अभी विधानसभावार ये सम्मेलन होंगे। विधानसभावार हो सकता है कि रैली के दरमियान ही मुख्यमंत्री लोगों से रूबरू हों, कि लाभार्थी संवाद भी इस कार्यक्रम को दिया जा सकता है कि लाभार्थियों से चर्चा की जा रही है। ये एक बड़ा प्लान है बीजेपी का जो बूथ तक जाएगा। साथ ही जवाब में कांग्रेस अपनी यात्रा का वो देख रही है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं एक मंच पे नजर आए, और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस यूनिटी में है और कोई बिखराव नहीं है, क्योंकि एक मैसेज ये जा रहा है कि अलग अलग डपली अलग अलग राग की बात की जा रही है। हाल ही में अभी आपने सुना शिलदाबाई जी ने इस बात को आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस बिखरी हुई है, इस वजह से बौखलाहट और घबराहट है कि चुनाव में क्या होगा। और इन्होंने बताया भी कि तेरा बूथ मेरा जूथ
इस टाइप से इन्होंने एक बीजेपी ने एक अपना नारा दिया है कि कांग्रेस के जो बूथ सम्मेलन है उसमें किस तरह से बिखराव हो रहा है। शील जी, यहाँ एक सवाल मेरा आपसे यह होगा कि जो सम्मेलन किए जा रहे हैं आपके विधानसभा वार लाभार्थियों के, क्या इसको भी इस तरह से देखा जाएगा कि वहां पे मंत्री जाएंगे, वो जब जनता से संवाद करेंगे, या फिर पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया जाएगा इसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जा रही हैं, वो जनसंवाद जनता के साथ में कर रही हैं, और ये अभी नहीं है कि चुनाव आ रहा है इसलिए कर रही हूँ, वो लगातार हर जिले में जा रही हैं, लोगों से जनसंवाद कर रही हैं, और जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे भी मिल रही हैं। हाँ, ये है कि अब जैसे नरेंद्र मोदी जी की सभा में आए थे तो पूरे लाभार्थी नहीं आ पाए थे, तो जो जिले में अब जाके जो वास्तविक वो स्थिति देखेंगी, और ये जानकर बहुत ही हमारी पार्टी को भी गर्व है कि किस तरह से वाकई में जो योजनाएं हमारी वहां पर पहुंची हैं, लाभार्थी खुद आकर, हमें पहली बार ये हो रहा है कि लाभार्थी खुद बता रहे हैं आके कि आप देखिए कि इन इन योजनाओं का हमें लाभ मिला है, और जहां तक जिन योजनाओं का लोगों को पूरा पूरा लाभ नहीं मिला है तो सरकार ये प्रयास कर रही है, सरकार ने कलेक्टर्स को कह दिया है, पूरे प्रशासन को कह दिया है कि जो योजनाएं आप उनको प्रचार करिए, और चुनाव आने से पहले पहले जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ हर एक तक पहुंचना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि नवंबर इससे पहले पहले लोग जो लाभार्थी हैं वो इससे दुगनी तिगनी संख्या में वो यहाँ पर अगर चुनाव, ये तो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग थी, ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये सरकारी कार्यक्रम था, लाभार्थियों से जब संवाद था, लेकिन जब चुनावी सभाएं होंगी और उसमें जिस तरह से लाभार्थी आएंगे सामने, तो ये अपने आप राजस्थान की जनता को ये सामने और कांग्रेस को और दूसरे दलों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिन योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी वो लाभार्थी 90% में तो 100 कोशिश ये करेंगे कि 100% लोगों को जो योजनाएं हमने लागू की उनको जनता तक हमारा लाभ पहुंचे। चलिए, ये बात आप कह रही है, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो विधानसभा वार आप लोग अनाउंस कर रहे हैं कि, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद की मैं बात बता रहा हूं आपको, जब बीजेपी ने कहा है कि हम विधानसभा वार ये कार्यक्रम करेंगे, तो कार्यक्रम वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी के स्तर पे होगा या सरकार के स्तर पे होगा कि मंत्री जाएंगे वहां पे दौरा करेंगे और वहां जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा होगी, क्योंकि आपने बड़ा ही माइक्रो लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, तो ये कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि विधानसभा वार करेंगे, तो विधानसभा वार अगर एमएलए वहां पे बैठ के करता है, आपकी पार्टी का अध्यक्ष उसमें बैठता है, तो फिर तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि उसमें सरकारी कार्यक्रम, तो उसको बिल्कुल नहीं कह सकते आप। देखिए, अभी रोड मैप तैयार हो रहा है, आने वाले समय में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमारे नेता जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे। चलिए, शील जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। खानुखा बुधवाली हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। खानुखा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन किस बात का है? सरकार ने अपना कार्यक्रम किया, सरकारी स्तर पे किया, जो दावा किया जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट हमने कार्यकर्ताओं का नहीं रखा, कार्यकर्ताओं को इसमें कोई तरजीह नहीं दी गई है, सीधा सरकारी कार्यक्रम रहा, और सरकार कार्यक्रम कर सकती है, अपनी योजनाओं का लाभार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, कोई कमी तो नहीं है, उन्हें संभालने आ सकते हैं। और ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस ने कभी इन सब चीजों को तवज्जो ही नहीं दिया, एक वोट के रूप में पब्लिक को माना है, हम लोग उससे आगे बढ़ करके और ये काम कर, हमारा एक विजन है, ये बीजेपी का दावा है ये। देखिए, सम्मान्य भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में रात और दिन का अंतर है, तो ये हमेशा ये कहते हैं, हमने जिंदगी में कोई भी काम अगर होता है तो सब सर्वप्रथम बीजेपी वाले करते हैं, क्योंकि बाकी तो आज तक 17 साल इनकी स्वयं की साझा सरकारें भी रही होगी, उनको तो सरकार ही नहीं मानती, क्योंकि स्वयं प्रथम बार इनके इंडिपेंडेंट जो पीएम आए हैं और इस तरह की बात करना, कांग्रेस आए या नहीं आए। मैडम, मुझे दुर्भाग्य लगता है कि बीजेपी के लोगों को ये क्यों फोबिया हो जाता है बीच में बोलने का, बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है। आप सुनने की कैपेसिटी रखा करो, आपको ईश्वर एक बहुत अच्छी बुद्धि दे कि वो बीच में नहीं बोले, लेकिन बीजेपी के लोगों का नाटक करना, कलेक्टर को बाबू से पटवारी बना देना, उनको कंट्रोल किया गया था, एक शिक्षा दी गई थी आपको भीड़ को कंट्रोल करना, उनको एक पटवारी की तरह भीड़ लाने का काम किया गया, आप पंचायत को जो डीआरडी का पैसा था डेवलपमेंट का, वो पैसा आम गरीबों का पैसा आपने बुलाने के लिए खर्च कर दिया, इस तरह से बीजेपी के आम लोगों को इन्होंने वहां खर्चित कर दिया गया। आपको ये कार्य करना है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष स्टेज पे हो,
वहां के मंत्री संतरी वहां स्टेज पे, सरकारी तंत्र लगता कहां से था? एबीपी आज तक कई न्यूज चैनलों ने वहां गए, अलग अलग सर्वे किया, वहां लगा कि वो जो लोगों को लाया गया था वो बिल्कुल एक तथ्यात्मक एक फर्जीवाड़ा था। छत्तीसगढ़ की महिला को पूछा गया कि आपकी आय दुगुनी कर दी गई थी, तो वो स्वयं एबीपी न्यूज के जो प्रसन्न वाजपेयी गए थे उनको ये कहा गया उस महिला ने कि मुझे दिल्ली से लोग आए और यहां के सरकारी तंत्र ने कहा कि आपको झूठ बोलना, इस तरह की बात करनी। ये राजस्थान में डूंगरपुर की बात करें, जो सैटेलाइट की बात की गई थी, वहां की महिलाओं को पूछा गया तो कि हमें तो यहां के डीएम और जो जयपुर से लोग आए थे उनको कहा गया था। पाली की आप बात करें या उदयपुर की बात करें, आप बंधेज वालों की जो बात की गई थी या जो अलग अलग जो क्षेत्रों से बुलाए गए थे, वहां एक दिखावे के लिए बाजरे के सीटा या खजूर की बात, वहां किसान को लाना और एक दिखावा करना। बीजेपी अगर पीएम आए, पीएम अलग अलग ब्लॉक में बैठे हुए, बात है कि हम आम किसान आम जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। वहां कहीं पर भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया, वो तो आए और अपनी बातों पे लुभावने में बात स्प्रेस की नहीं थी, ये थी कि हम आम लोगों में जाएंगे, आम लोगों में जाएंगे। ये बात कही गई थी कि मैं आम लोगों में जाऊं, आम लोगों में जाने के बजाय वो तो स्वयं के बुने हुए जाल में वहीं बुनकर वो गुत्थम गुत्था होकर रह गए। ना तो कोई चीज डिटेल में कुछ राजस्थान को कोई दे पाए, और दी हुई चीज को जो हिंदुस्तान जो 90 जो लाख जो सोयल कार्ड की बात कर रहे हो, बड़ी दुर्भाग्य, उस पूर्व प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री कह रहे कि मैंने 10 लाख बालिकाओं को जो स्कॉलरशिप दी, बिल्कुल उनका तथ्य निराधार है, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं। आप राजस्थान में मदरसाओं के बीच में दुर्भाग्य, जयपुर शहर में 284 दूध जो मदरसा रजिस्टर्ड है उनमें 20 को आप दूध पिला रहे हो, मतलब संस्कार उर्दू में भेदभाव, वैसे आम गरीब में अमीर में भेदभाव। आप करना क्या चाहते हैं दलित के साथ, एससी के एसटी के साथ, किसान के साथ, बेरोजगार के साथ, व्यापारी के साथ? हमेशा आपका छलावा और दिखावा, ये जो हिंदुस्तान में चारा घोटाला के बाद ये आप बीजेपी का सबसे बड़ा ये दिखावे का घोटाला होगा। जो पीएम आया और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कितने रुपए खर्च, ये आपके बीजेपी के लोगों ने आपका प्रचार प्रसार झंडे और डंडे का प्रचार किया, वह आम जनता की स्कीम। ये तो धर्म बनता है हर सरकार का कि गरीब जो एक आम नागरिक हो उसकी हर सरकार, कोई भी बीजेपी कांग्रेस जो भी अन्य सरकारें आए उनके लाभ के काम करें, लेकिन बीजेपी के लोग किसी चीज के देने के बजाय, पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की स्कीम थी राजस्थान में जो अशोक जी की सरकार थी, उन्हीं की आप उनके सिर्फ नामांतर नाम बदल के उसी स्कीम को आप लागू करना चाहते हो, यह बड़ा दुर्भाग्य है जी। शिव जी, ये आरोप है देखिए बीजेपी का, और बीजेपी पे आरोप है कांग्रेस का, और जो कहा जा रहा है, आप लोग दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सरकार की योजनाओं का लाभार्थियों से मिलने के लिए आ सकते हैं, अब से पहले कांग्रेस का विजन नहीं रहा, कभी सोच ही नहीं पाई कांग्रेस का हम इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों का ये दावा है। यहां एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भीड़ जुटाई गई थी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उसमें लाभार्थी लाए ही नहीं गए थे। देखिए, जो भी एंट्री हुई थी उनका सबका कार्ड नंबर, योजनाओं का, लाभार्थी का पूरा एक एक चेक करके गया था। और जैसा कि ये कह रहे हैं, ये खुद ही बता दें कि प्रधानमंत्री के जिस तरह से सिक्योरिटी के सवाल उठ रहे हैं, उनको तो मिलने तक की कहा कि बहुत जांच के बाद उनसे लोग मिल पाएंगे, क्या ये पॉसिबल था कि प्रधानमंत्री जनता के बीच में चले जाते? नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सचिन पायलट ने कहा कि उनकी सुरक्षा की चिंता हमें भी है, वो देश के प्रधानमंत्री है, राजनीति एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया था सीधे मंच पे, ये कहा जा रहा है कि वो नाट्य रूपांतरण था, पहले से फिक्स था सारा काम, लेकिन रैंडमली किसी को तो बुलाया जा सकता था, ये कांग्रेस का आरोप है कि बीच में से बुला सकते थे कि धन्ना लाल, पन्ना लाल, मन्नी देवी, किसी को भी बुलाया जा सकता था कि आप आइए, किस चीज का लाभ मिला आपको, आपको मिला कि नहीं मिला, इन लोगों का ये कहना है, तो एक्चुअल बात का पता लगता है कि लाभार्थी भी है कि नहीं है। नहीं देखिए, कोई ये चुनावी भाषण तो था नहीं, या चुनावी कोई रैली नहीं थी कि जहां पर जनता को इस तरह से बुलाया जाए, जिन जो लाभार्थियों के जो वास्तविक लाभार्थी में से ये चाह रहे थे, लाभार्थी थे तो लाभार्थी से किसी को भी बुलाया जा सकता था, किसी को भी। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो टाइम है पूरा 1-to-1 पूरा जो सिस्टम होता है, कितने मिनट का भाषण होगा, क्या है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं इनसे ही पूछ रही हूँ कि 2 लाख की जनता में जितनी योजनाओं का एक किसी को बुला के ये पॉसिबल है क्या? अगर आपको इतना शक था तो आप जांच कर लेते ना, वहां एंट्री पे अपने कांग्रेस वालों को बिठा देते, आप देखते ना कि वो लाभार्थी के हैं कि नहीं है। वो खानुखा बुधवाली जी बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस यही तो कह रही है कि हमें संदेह नहीं, हमारे पास में पुख्ता जानकारी है कि अगर बीच में से किसी से पूछता तो शायद हो सकता है सभा की पोल खुल सकती थी। जी खानुखा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? देखिए मैं नहीं कह रहा, ये तो राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं
जो मैंने जो चैनल्स के बारे में कहा, अगर आपको शिकायत उन चैनल के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बाकायदा उस लेडी ने कहा कि मुझे दुगुना आमदनी के लिए मुझे प्रोत्साहित किया गया। आपको जो डूंगरपुर की कह रहा हूं, जो सैटेलाइट जो लाइट की बात की गई, बंदेज और जो एक फल की जो जो यहाँ पालिका जो प्रोडक्शन होता है उसकी बात की गई, ये तो अगर आप खाने को रोकना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास में लौटूंगा। तो चलिए खास खबरें में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से ही सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने जयपुर में एक मार्च निकाला और आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की रैली और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। खानुखा बुधवाली जी के पास में था मैं ब्रेक से पहले, मैं आप ही को रेगुलर करना चाहूंगा। खानुखा जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान के पीएम को हमेशा एक बोलने की जिस लहजे में बोलते हैं, भाई और बहनों आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ आप बोलिए, तो किसी को भी बुलवा जिस ब्लॉक में इनके एमएलएज एमपीज मिनिस्टर्स जो नीचे बैठे हुए थे उस ब्लॉक में से चाहे जिसको उसकी सिक्योरिटी नो डाउट उनको चेक होके आए थे और उसी चेक पे वहां किसी एक असेंबलिंग के तौर पे ले सकते थे, लेकिन उनको पता था रियलिटी सच्चाई कुछ और है। जो एक मॉडल के रूप में उनको एक कैमरे में दिखाया गया और वहीं उनकी बात करके वहीं उनको बिल्कुल तथ्यात्मक सही कर दिया कि साहब ये सही है, लेकिन ये एक सिर्फ दिखावा मात्र था जिसके कारण से बीजेपी ने अपने कार्य पे पर्दा डालने का काम किया और यहां वसुंधरा जी की वाहवाही हो जाए बस, बाकी एक लिपापोती का काम किया। विकास के बजाय एक नाटक था जो हिंदुस्तान के चारा घोटाले के बाद सबसे बड़ा ये घोटाला माना जाएगा कि राजस्थान की जनता का पैसा, डीआरडी का पैसा, इन्होंने गलत एक आदेश कभी रैली में ये निकाल सकता कलेक्टर की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में नहीं प्रावधान है कि वो ये कहा जाए कि पीएम की रैली में जाने के लिए उसका खर्चा पंचायत समिति के वहां के वीडियो तय करेगा, खाने पीने के साधन वो तय करेगा। ये ऑर्डर बिल्कुल उनके सरकारी एक तंत्र का बिल्कुल दुरुपयोग है। अगर ये कह रहे हैं कि हमारा पार्टी का नहीं तो पार्टी का नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां स्टेज पे क्या कर रहे थे, इसका बड़ा ऑब्जेक्शन आप लोगों का। चलिए मैं एक बार श्याम शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ऑब्जेक्शन ये है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मंच पे क्यों बैठाया गया, यानी कि मदन लाल सैनी को क्यों बैठाया गया? बीजेपी इसको खारिज नाते कर रही है कि वो राज्यसभा के सांसद है, सांसद तो 25 और एक बार सुनिए। फिर कांग्रेस का आरोप है कि सांसद राज्यसभा के भी और हैं और 25 लोकसभा के सांसद भी है, उनका क्या हुआ, उनके क्यों नहीं, उनसे तो स्वागत भी नहीं करवाया गया सिर्फ एक रामचंद्र बोहरा को छोड़ करके, क्योंकि उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री आ रहे थे। और बीजेपी का यह कहना है कि पहली बार ऐसा है कि हमारे विजन है, हम जानना, हमारे प्रधानमंत्री जानना चाहते थे कि जो योजना हम धरातल पे देना चाह रहे हैं वो पहुंच भी पा रही है कि नहीं पा रही है। तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये लंबा वक्त हो चला है और अभी भी इससे वार कम नहीं हो पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री को लाभार्थियों से मिलाने की योजना बीजेपी की थी, योजना अच्छी थी, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में लोग भी आए, लेकिन जो जनसंपर्क और संवाद सीधे तौर पर लाभार्थियों से पीएम को करना था वो हो नहीं पाया। उसमें बाकायदा क्योंकि मुख्यमंत्री को 25 मिनट दिए गए कि वह प्रायोजित तरीके से अपनी बात कहें और मिलाकर के चल दें, तो ये बात तो ठीक है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम सबको बताया जा रहा था कि 2 लाख आएंगे, उसके ब्लॉक्स भी 14 ब्लॉक्स भी बने थे, उसमें लोगों को बैठाया भी था, साथ में मंत्री और विधायकों को वहीं बैठाया था कि किसी से कि प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचे तो कोई इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैल जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो की थी, लेकिन बाद में यही हुआ कि प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर बातचीत नहीं करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री जी प्रेजेंटेशन देंगे, उसी में संवाद हो जाएगा। संवाद का नाम लिया, संवाद नहीं हुआ, ये बात सही है मधुवाली जी जो कह रहे थे, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम पहले आयोजित नहीं हुए इतने बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर। तो आज मुख्यमंत्री जी आज भी डूंगरपुर में जन संवाद कर रही है, तो वही प्रोग्राम जो यहाँ हुआ था वो छोटे स्तर पर डूंगरपुर में आज भी हो रहा है, तो कांग्रेस वहां तो नहीं बोल रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया, मुख्यमंत्री को संजीवनी मिली, ये बात तो सही कही जा सकती है कि उन्होंने यहाँ 2100 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी से करा लिया, तो ये कह रहे हैं कि खर्चा कहाँ से, क्योंकि 2100 करोड़ की योजना है तो 5% उद्घाटन और शिलान्यास में खर्च होता है वो हुआ, उसका तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2100 करोड़ प्रदेश को दिए। एक दूसरी योजना जो कि
13 जिलों को पेयजल और सिंचाई जिसकी 35,000 करोड़ की है, जो ईस्टर्न कैनाल वाली के सकारात्मक रूप देने की बात कह देना प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री के जन संवाद में सीधे तौर पर प्रदेश को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री नहीं आते और नई घोषणा करते तो ये सब चीजें नहीं मिलती प्रदेश को। कांग्रेस का विरोध जायज है क्योंकि चुनाव है, चुनाव के नजदीक आ गए तो उनको कुछ ना कुछ कहना है करना है, क्योंकि आज उन्होंने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में सचिन पायलट सीधे तौर पर कह रहे थे कि अरबों रुपए की खराबी हुई, अरबों रुपए की तो नहीं हुई, अगर वो लगाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी है, उनका TAD वहां से उठा होगा, हो सकता है उठाए, लेकिन ये बात सही है कि पंचायत स्तर और कलेक्टर को सीधे तौर पर इसको जोड़ा गया। 15 दिन तक कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और इसी को व्यवस्था में लगे रहे, इसमें दो राय नहीं है, ये हुआ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे तो उनका भी सम्मेलन जयपुर में हुआ, क्योंकि उनका सम्मेलन बुद्धिजीवियों का सम्मेलन था और वो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। यहाँ जनवादी नेता के रूप में आपके उसको नरेंद्र मोदी को पेश किया गया और उसमें निश्चित कहा जा सकता है कि इससे बीजेपी को सकारात्मक माहौल मिला, क्योंकि 72 दिन तक जब इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाए थे तो निराशा की स्थिति बीजेपी में थी, उसमें कुछ सकारात्मकता आई, ये बात है। और कांग्रेस ने आज श्याम जी, लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा इसको, लाभार्थियों को तो जो फायदा मिला है उसको तो प्रधानमंत्री जी देख ही चुके हैं, लेकिन इस सभा का फायदा बता रहे हैं बीजेपी को मिलेगा, तो यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है कि इसे सीधे चुनावी उससे जोड़ा जा रहा है, क्या इसे चुनावी संक्रांत के रूप में देखा जाना चाहिए, और क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव से ठीक पहले कोई प्रधानमंत्री आए और अपनी पार्टी को उसका लाभ ना दे पाए। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि पहले इस तरह का सम्मेलन हुआ ही नहीं राजस्थान में, इस व्यापक पैमाने पर सोच ही डेवलप नहीं हुई। अब हो सकता हो कि यही पेटेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनाए, या कांग्रेस अपने जमाने में भी लाभार्थियों को कितने लाभार्थियों को दे पाए और एक साथ इकट्ठा करके अपना दावा पेश करने की कोशिश करे तो वो अलग भविष्य की तय करेगा। लेकिन ये बात सही कही जा सकती है कि इसका उपयोग तो किया बीजेपी ने, बात तो सही है कि प्रदेश अध्यक्ष मोदी थे, प्रदेश अध्यक्ष को वहां पे बोलने का मौका दिया गया, प्रधानमंत्री ने सरकारी भाषण नहीं दिया बल्कि गैर सरकारी भाषण देकर के कांग्रेस को उलझाने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष बोले, मैं तो मौजूद था, आप नहीं होंगे मौजूद, मैंने सुना उनका भाषण, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश अध्यक्ष पीएम से पहले बोले थे, वसुंधरा जी से भी पहले उनका स्पीच हुआ था, उससे पहले 4-5-6-7 मंत्रियों का भी स्पीच हुआ था, तो ये सारे थे प्रदेश अध्यक्ष भी बोले थे। आप देखिए अशोक परनामी जी को वहां रखा गया, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे क्योंकि मुख्यमंत्री के चाहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने जो चाहा किया और मुख्यमंत्री को वाहवाही भी मिली। और निश्चित रूप से देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे होते तो उनका रुख अलग था, जब वो यहां पर आकर के उन्होंने देखा कि भीड़ है, सच्ची बातें हैं, सारी बातें, तो उनका रुख बदल गया और सकारात्मक रुख हो गया। वो बहन वसुंधरा जी कहकर के गए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये सारी बातें, फिर से एक तरह से संजीवनी का काम मिला। और ये जैसे चलिए मैं बुधवाली जी के पास जाऊंगा। बुधवाली जी, यहाँ एक सवाल ये है कि अपने अपने तरीके से चुनाव से ठीक पहले शिलान्यास कार्यक्रम बुलाना, ये सारी चीजें होती हैं, कांग्रेस के वक्त भी होती रही हैं। आप लोग लाभार्थियों से नहीं मिले, लेकिन योजनाओं के शिलान्यास के नाते बाड़मेर में रैली हुई जहां पे सोनिया गांधी जी को और प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था, हिमालय के पानी का जो एक योजना वहां पे लेकर के आए थे। उसके अलावा और भी जगह पे इस तरह के सम्मेलन जयपुर में हुआ, घाट के गुनी वाला जो टनल वाला था, तो सीधा गांधी और प्रधानमंत्री, क्योंकि विकास योजनाएं अगर सरकार करती है जिस पार्टी की होती है, सीधा लाभ उन्हीं के खाते में जाता है। वो तो ये अलग कैसे आप लोगों से, हम मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी सरकार हो, अगर विकास का काम आम जनता को फायदा मिले और उसका डेवलपमेंट की बात होती है तो एक रूटीन वर्क है, होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विकास हुआ ही नहीं, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी स्कीम का सिर्फ नामा बदल के, उसी स्कीम के जो पानी की बात करो, सोयल कार्ड की बात करें, किसान कार्ड की बात करें, बालिका शिक्षा की जो स्कॉलरशिप की जो बार बार वसुंधरा जी बहुत लंबे लंबे हांक रहे थे, ये उस चीज को बुढ़ाने की कहां नौबत आ गई। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सम्माननीय जो है वो झूठ बोलना
और वसुंधरा जी का झूठ बोलना, दोनों ऐसे लग रहे थे सगे बहन भाई, एक रक्षाबंधन के नाम पे झूठा एक छलावा नजर आ रहा था। और वो सम्मानी आप मैडम सुनिए, आप बोलना जब आपका समय आए, तो आपका समय जा रहा, आप क्यों बोलते हो अब, आपका 3 महीने का समय हो रहा आपका, तो इसलिए हताशा दुख हमें इस चीज का है कि आपकी विदाई हो रही है, इसलिए आपका दुख हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ एक नाटक रचियता एक बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आम जनता के साथ छलावा, मैं नहीं कर रहा, मैंने फिर कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के टॉप जो सारे जो आपके चैनल मान लो या अन्य आपके साथी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक बार नहीं कई जगह जाके स्कीम, आप अहमदाबाद की बात करें, आप भोपाल की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, आप गुजरात की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की, कोटा की, जो मैंने अभी कहा, जो मैंने आपको डूंगरपुर के लिए कहा, मैंने आपको पाली के लिए कहा, यहां आपके मेरे नहीं वो मैडम, वो राजस्थान की जनता है, उन गरीबों के साथ आपने छलावा किया, वो कह रहे हैं प्रशासन के लोग हमारे साथ आए, आपके जहां स्कीम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, वहां के लोकल प्रशासन सिर्फ झूठी स्कीमों का एक झूठा छलावा, जहां ना बाथरूम होता है, ना टॉयलेट होता है, ना मकान होता है, ना ना कार्ड होता है, बीपीएल होता है, आप गांव में जाके देखो लोगों की क्या स्कीम हो रही है, आप स्कूटी की बात करने की बात करो, बालिका शिक्षा में आपने 10 लाख लोगों को आपने बालिकाओं को आपने स्कॉलरशिप दिए था, बता दो मुझे, आप बिल्कुल झूठ, अरे आप स्कूटी योजना लिमिटेड मैडम रोज शिकायतें होती है, आप कभी आप तो या तो नोट बंद करते तो या इंटरनेट बंद करते, तो आपका काम विकास का नहीं हो सकता, नोट बंद करना, इंटरनेट बंद करना और आपकी विदाई होना, तीनों चीजों का संगम हो रहा है, हताशा तो मुझे लग रहा है मैडम, अब आपका बीजेपी का बोल में आ रहा हूँ आपके पास, सुशील जी आ रहा हूँ, एक बार इनको अपनी बात खानुखा जी को पूरी कर लेने दो, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ। खानुखा जी, मेरा जो छोटा सा सवाल ये था कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है ये बात, जिसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जा सके, ये बात सही है कि लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम पहली बार हुआ जी, लेकिन आप लोग भी चुनाव से ठीक पहले शिलान्यास समारोह के नाम पे, किसान सम्मेलन के नाम पे, दूसरी तरीके से प्रधानमंत्री कितने दिन पहले किया है, कितने नहीं नहीं, तो इसमें अलग क्या है, तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो श्याम जी भी श्याम जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, ये मैडम भी जो कह रही है, जो बीजेपी बीजेपी वालों बीच में बोलने की आदत होती है, मतलब रिफाइनरी का जो शिलान्यास पहले हो चुका था, हिंदुस्तान के पीएम आते हैं, क्या वहां जनता का जो पहले पहले पैसा जो लगा इन्वेस्टमेंट, जो भी खर्चा हुआ, क्या हिंदुस्तान के पूर्व पीएम ने किया, वो हिंदुस्तान का पीएम नहीं था, पीएम ने पीएम है, और सोनिया जी जो उन्होंने जो किया, तो उन्होंने जो शिलान्यास किया, वो जब राजस्थान का मुख्यमंत्री वहां उपस्थित हो, आप मैडम आप सुने, या तो आप बोल रहे हैं अपने, या आप बोल रहे हैं, या तो आप ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी में फोबिया हो चुका है ये चीज का, जो आप फोबिया हो क्या, आपका हर कार्यकर्ता और कौन सा बीमारी होती है, आप बीच में बोलने जाते हैं, आप शिक्षा दी जाती है, मतलब बीजेपी के ये इनके नहीं, हर राज्य में जहां हिंदुस्तान के पीएम गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, हर चैनल पे इनकी शिकायतें हुई, झूठे लोगों को लाना और झूठी स्कीम का छलावा करना बहुत कम लोगों को लाभ देते हैं, अगर हिंदुस्तान का पीएम इतने साफ सुथरी छवि और हिंदुस्तान राजस्थान की सीएम थी, तो किसी भी इनकी इच्छा थी, किसी जिस आप ब्लॉक में जाते उस ब्लॉक में किसी से भी मिलते, वहां सिक्योरिटी, हम तो चाहते हिंदुस्तान का पीएम हमारा पीएम है, बीजेपी का जो भी चुन के आते हैं नुमाइंदी सरकार होगी, लेकिन हिंदुस्तान का जो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है, कहीं भी राज्य की सरकार या भारत की सरकार, उसका सबका अधिकार होता है, लेकिन वहां इन्होंने आम जनता के पास पूछने के बजाय सिर्फ एक दिखावा करना, एक नेट से आप उद्घाटन करना, ये स्कीमें तो पूर्ववर्ती सरकार, जो आप जो पानी की बात कर रहे हो, सोयल कार्ड की बात कर रहे थे, और बालिका शिक्षाओं पे जो 10 लाख स्कॉलरशिप बात करे, ये तो पूर्व सारा काम हो चुका था, लेकिन अगर आप करते तो वहां किसी एक ब्लॉक में जाके, जो श्याम जी कह रहे हैं, किसी भी ब्लॉक में जाते हैं अपनी मर्जी से, वहां किसी से के साथ चले, आप जब परनामी जी पे विश्वास करते या उनके जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर में या पार्लियामेंट मेंबर के जो किसी भी ब्लॉक में चले जाते, क्या हिंदुस्तान में इतना खतरा हो गया कि बीजेपी को अपने एमएलए और एमपी से भी मोदी जी को इतना खतरा हो गया, तो फिर तो हिंदुस्तान का शासन बड़ा भगवान ही मालिक है उसका, तो क्या हो सकता है, फिर तो उनकी रक्षा कौन करेगा, वो तो ऊपर वाला जाने। चलिए शील जी, अब आपके पास में आना चाहूंगा मैं, आरोप यह है सीधा सीधा आप लोगों पे, क्योंकि आरोप से जुड़ा ही मामला है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है, ज्ञापन बहुत सारे होते हैं लेकिन कितनों पे उस पर संपर्क हो पाता है, डिस्पोजल होता है नहीं होता है, पता नहीं पलट के रिसीव्ड लेटर भी आता है कि नहीं आता है, एक परंपरा है हमारे यहाँ पे कि चलिए हमारी बात को कही हमने, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस लिहाज से हम ऊपर तक बात पहुंचाते हैं, आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, और धन के दुरुपयोग की जो लगातार बात कही जा रही है कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ये लगातार जो एक बात सामने आ रही है, बात फायदे नुकसान की है। यहाँ पे जब सोनिया गांधी यहाँ पे आई थी ये रिफाइनरी को लेकर के, उस पर भी काफी बवाल मचा और कहा भी गया कि ये सब पैसे का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है, कर नहीं सकती, तो अभी ये लोग कर रहे हैं, केवल तस्वीरें बदली हैं अभी।
नहीं देखिए जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये पहली बार कि जो योजनाओं के लाभार्थी जो आए, इनको लगता है कि हम क्यों नहीं कर पाए। सबसे बड़ी हताशा ये है क्योंकि एक नई जिस तरह से जो शुरुआत हुई है, जो लोगों से रूबरू हुए हैं, अब जो 2 लाख आदमी निकल के जो वहां पर आए जनता के बीच में गए होंगे, अगर एक परिवार को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिलता है तो उस परिवार के कम 5 या 10 लोगों को फायदा मिलता है। तो 4 करोड़ जो कनेक्शन दिए गए हैं, और जो स्वास्थ्य योजना के तहत में जो लाभार्थी आए वो रूबरू आए, और ये कैसे पहुंचे? स्वास्थ्य योजना राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ला चुकी थी, आपने तो बंद किए दवाएं, आपने तो बंद किए मैडम। आप तो धनवानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। नहीं, गलत है बिल्कुल। आप तो दवाइयां बंद करते हो, लागू थोड़ी करते हो। गांधी को बुला के उद्घाटन, आपकी सम्माननीय मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा नहीं है, अमीरों के मसीहा हो। जीएसटी का फायदा अमीरों को, गैस बिजली पानी का फायदा अमीरों को, तेल का आप तो अंबानी और अडानी का फायदा, आप 72 रुपए तेल, 74 रुपए तेल बिक रहे हो, ये किसका फायदा हो रहा है? क्रूड तेल का क्या भाव है? आप गरीब की क्यों बात करते हो? आप तो अमीरों की बात क्या करो? आप तो अमीरों की बात करो, गरीब का कोई नहीं। मैडम ये कहावत एक शहर है छोटा सा कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा किसने लूटा, आप तो उसकी बात करें। जो आए थे देख लिया ना, आपको देख लिया ना, आप कह रहे हो गरीबों। श्याम जी क्या कह रहे हैं पत्रकार? श्याम जी कह रहे हैं कि वहां गरीबों से नहीं मिले वो। श्याम जी मैं नहीं कह रहा, पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि गरीबों से नहीं मिले, पॉसिबल है सिक्योरिटी चाहे तो वहाँ ऊपर क्या खतरा था? स्टेज में क्या खतरा नहीं था? नहीं मिलके आए तस्वीरें तो नीचे किसी भी ब्लॉक में चले जाते। क्या एमएलएमपी की जान को खतरा नहीं होता? आम आदमी गरीब की जान और हिंदुस्तान के पीएम की जान में फर्क होता है। इंसान इंसान होता है, हिंदुस्तान का पीएम भगवान नहीं है। हिंदुस्तान का पीएम भगवान है, गरीब की जान और पीएम की जान बराबर का है। वोट राइट फंडामेंटल बराबर इक्विवेलेंट, तो उसकी जान माल का भी बराबर का राइट है। आप ही थोड़ा गरीब मर जाए और मतलब आप तो किसी भी ब्लॉक में चले जाते हो आप। मैडम आप नहीं, कोई अलग नहीं होता। आप पार्लियामेंट गलत हो गया, पार्लियामेंट मेंबर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट मेंबर को क्या मानोगे मैडम? तोड़ के गए थे क्या? गलत है किसको? किसको कौन सा प्रोटोकॉल? उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के गए ना, उनकी हत्या हो गई। किसकी? वो तो ऊपर वाला जो मुकर्रर करता है उसको ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला सेफ्टी खुद ही होती है। तो आपको आपके पार्लियामेंट मेंबर पे विश्वास नहीं है क्या? सुने 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 असिल जी, यहाँ बात यह है कि कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है पहले दिन से ही, जब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक आम पार्लियामेंट मेंबर और प्रधानमंत्री में अंतर है, ये बात सही है कि जान एक होती है, बट प्रोटोकॉल हो चाहे सिक्योरिटी की बात हो, एक आम पार्लियामेंट से अलग रखना होगा प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री जी इशारा करके किसी को बुला सकते हैं कि नीली शर्ट वाली जो बहन बैठी हुई है या फिर ये जो पगड़ी वाले बाबा बैठे हो, एक बार इनको ऊपर भेजिए कि आपको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। दूर बैठे थे, इतना गैप इतना ज्यादा था और ये पॉसिबल नहीं था एक मिनट का उनका। क्यों कहा ये जा रहा था कि जो ब्लॉक्स में आपके वॉलंटियर्स लगाए गए थे, मंत्रियों को, विधायकों को, पार्लियामेंट मेंबर्स को, श्याम जी ने पूरा डिटेल बताया था जब इनकी बात हुई थी एसपीजी वालों से, कि इसी तरह से व्यवस्था की गई है। रिहर्सल हो रहा था, उससे दूर रखा गया कि नहीं मीडिया भी नहीं जाना चाहिए वहां पे। चलिए अपने आप एक एजेंडा था ये, कोई बात नहीं है उसमें भी। लेकिन गिने चुने जो 3 या 4 लोग बुलाए गए थे, ये पहले से तय था कि इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो कुछ सामग्री भी ऐसी लेकर के आए थे कि भाई उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री को देंगे। श्याम जी क्या लगता है आपको कि जो एक बीजेपी ने उस वक्त जो कहा था कि ये हमारा एजेंडा है, और बीजेपी माफ करिए सरकार ने जो कहा था कि हमारा एजेंडा है और इस एजेंडे के तहत हम चर्चा करवाएंगे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भी, शायद यही कहा गया था, या मदन राठौड़ जब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी ब्लॉक में किसी से भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, उनकी इच्छा होगी तो शायद पब्लिक के बीच भी जा सकते, अदरवाइज उठा सकते हैं, सबके वो हम माइक होंगे और माइक से वो पूछेंगे कि भाई किसी योजना का लाभ आपको मिला। तो इसी तरह का दृश्य बनना चाहिए था कायदे से। देखिए योगेंद्र जी, शुरू से कहा जा रहा था कि लाभार्थी से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, ये तो कहा ही जा रहा था, आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे। आम सभा का तो उसमें था ही नहीं, बाद में हुआ था, लेकिन अब ये कह रहे कि समय नहीं था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के पास समय 1 घंटा बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि 2 लाख लोगों से सीधे तौर पर मिलने आए थे, वो मिल नहीं पाए। निराशा की स्थिति उन लोगों से हुई जो कि 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से चल करके जयपुर पहुंचा था। वो पहुंचा था कि आज तो मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा और बात करूंगा, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रही। प्रधानमंत्री को वही लोग मिल पाए जो कि प्रायोजित थे, सीधे तौर पर बातचीत करते तो कुछ नई चीज निकल के सामने आती। उसका विरोध, कांग्रेस का विरोध यही तो है। कांग्रेस, अब कांग्रेस
विरोध करके आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने गई थी लेकिन अभी भी कांग्रेस ये नहीं कह पाई कि साहब आपने ये लोग आए थे इनको लाभ नहीं मिला इसलिए ये आए, आप लाओ ना सामने प्रधानमंत्री जी के अंदर कार्यक्रम में किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ, क्या हुआ तथ्यात्मक। आज आपने जो राष्ट्रपति जी को नाम ज्ञापन दिया उस ज्ञापन में कितनी चीज है, क्या चीज है, आपने कहा धन का दुरुपयोग हुआ, किस तरह से दुरुपयोग होगा ये नहीं बताया उसमें कि आपने किस तरह के दुरुपयोग कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री आए थे व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर होती हुई, क्योंकि उसमें कोई पैसे का लेन देन कहां हुआ क्या हुआ, दुरुपयोग तो जब होता है कि आप एक रुपए की चीज पांच रुपए में खरीद लो, वहां की अव्यवस्थाएं तो ये थी कि हम जहां बैठे थे वहां हवा का नाम नहीं था, हमने वहां पर चलो उसके बाद तो बारिश आ गई, अब सारे पसीने सूख चुके हैं, तो सारी बातें हैं कि आपका विरोध तथ्यात्मक रूप से हो, और आज आपने विरोध इसलिए किया क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आपको भी जाना है, और बीजेपी सुस्ती इसलिए सक्रिय हो गई, प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था जब तक इनके भी दल में बड़ी निराशा की भावना थी, सारी बातें थी प्रधानमंत्री कह गए। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि जो लाभार्थी संवाद सम्मेलन था वो भी एक चुनावी एजेंडे के तहत था, और कांग्रेस ने जो विरोध मार्च निकाला ये भी महज एक चुनावी एजेंडे के तहत था, ये कह सकते हैं पार्टी को, ये एक्शन का एक रिएक्शन मान सकते हैं बस। पार्टी को सक्रिय करने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए इनको, इसलिए क्योंकि कुछ बीजेपी ने कुछ आयोजन किया उसको किस प्रकार से धूलित किया जाए, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को कहा देखिए वो कर गए तो अपन किस प्रकार से इसकी बुराई कर सकते हैं, आम लोगों के बीच में किस प्रकार से कुछ कहा जाए, कि क्या कहा कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने गए थे राज्यपाल सचिन पायलट पूरे, तो उसके साथ आप पूरे प्रदेश में कहेंगे हमने तो कहा था कि देखिए गलत हुआ इसलिए हम ज्ञापन दें, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ देखे गए उसकी बात इनको भी स्वीकार करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं आते तो हम 2100 करोड़ की योजना को केंद्र से मिला है पैसा, उससे तो फायदा मिलेगा नहीं देंगे, और 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल की समस्या का सकारात्मक रूप से अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह गए तो सकारात्मक मिलेगा, तो बहुत बड़ी चीज इस प्रदेश को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी अब कह दें कि स्थिति में आ गई प्रदेश में कि हम 13 जिलों में तो पानी और सिंचाई देने वाले हैं, आप प्रधानमंत्री से कहेंगे और 9 शहरों को सीधे तौर पर शहरी निकायों के अंदर जैसे अजमेर को एलिवेटेड रोड मिला, बाकी जगह कई जगह पर आप देखिएगा कि माउंट आबू है, बूंदी है, कोटा उधर की तरफ उसके उदयपुर के स्वरूप को सुधारने के लिए मिला ना, सारी योजनाएं मिली थी, अभी इसकी तो बुराई नहीं कह सकते क्योंकि इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री दे गए उसके लिए तो इनको भी कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आए नहीं आते तो ये होता ही नहीं। अब आप कांग्रेस ये तो कह रही है कि विरोध किस बात का कर रही है कि पैसे का दुरुपयोग, प्रधानमंत्री आने का विरोध ये भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री इनके जमाने में भी आए और आज भी आए, तो इसलिए दौरे का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है रूप से इनको कमियों को गुजाकर करके आज ज्ञापन में मैंने भी देखा ज्ञापन में वो चीजें नहीं है जो कि कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि ये देखिए लाभार्थी आए थे ये फर्जी लाभार्थी थे, आप नाम लाते बताते राज्यपाल को ले जाते 1000-2000 लोगों को मिलाते कि साहब ये फर्जी आए थे इनका दुरुपयोग हुआ इनका पैसा खर्च किया गया नहीं लाभ कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा कांग्रेस है निराशा की स्थिति थोड़ी बहुत है उसको स्वीकार करना। कांग्रेस निराश आई से सभा के बाद से आपको ये मानना है कुछ थोड़ी जो खानुखा जी जवाब देंगे इस बात का। खानुखा जी आप लोग अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए इस मार्च को निकाला ये श्याम जी का भी कहना है। देखिए ये जयपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई जो सरकार नित्य रोज कोई इनको तेल के पानी के बिजली के बिल बढ़ाने को लेके और लॉ एंड ऑर्डर को लेके थी और जो इस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया उसके लिए थी। कोई भी सरकार चाहे हिंदुस्तान में पूर्ववर्ती सरकार हो वर्तमान सरकार हो जो भी वर्तमान सरकार होती है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चलाती है उसका धर्म बनता है कि कोई इनको डेवलपमेंट के लिए काम करना और उस काम के लिए वो बार बार इस चीज को गिनाया जैसे हमने कोई किसी पे थोप रहे हो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, कोई महारानी और राजा का राज नहीं है, ये जनता के चुने हुए ये लोग हैं, इनमें वहां फर्जीवाड़े लोगों के साथ जो खिलवाड़ करे और चैनल इनकी जब ये सच्चाई उधेड़ के सामने लाए तो ये सब तो इसका मतलब एबीपी न्यूज गलत है, आज तक न्यूज है, इंडिया टुडे न्यूज है, आपके जो ना आया तो आप मैडम सुने थोड़ा सा, आपका काम सिर्फ इतना सा बचा है नेट को बंद करना और नोट को बंद करना, जीएसटी को लागू करना और बड़े लोगों को पैसा देना और लेना, भारत का भारतीय प्रधानमंत्री एक जुमलेबाजी के रूप में और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो आम गरीबों को शोषण आप कैसे करो, ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग कैसे करो, एक कलेक्टर को बाबू बना दो पटवारी के रूप में और डीआरडी का पैसा आप कैसे खर्च कर दो, ये मुझे बड़ा दुर्भाग्य है। और आपके लोग आरटीओ डीटीओ के नाम पे या तो आपके मंत्री के घर छापा पड़ता है तो वहां लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है एंटीक्रिप्शन में, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, तब तो आप कहते नहीं नहीं बहुत हमारा मंत्री अच्छा, आपका मंत्री के कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा मंत्री कहता है मैम बहुत अच्छा, आपका मंत्री पिटता है तो फिर आपका तो बहुत अच्छा, आपका काम तो
मारना पीटना लड़ाई और दंगा, ये काम बचा है। आपका विकास कम और आपकी अव्यवस्थाएं ज्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर आपका है नहीं, आपका विकास कुछ नहीं, आपका विकास सिर्फ एक दूसरे की आपकी व्यवस्था बिगाड़ता है। आप अपना देखो, बाजिया जी ने अच्छा काम किया क्या? अब बाजिया जी ने अच्छा काम किया है क्या? देवनामी जी को पीट के अच्छा काम किया क्या? आप स्वागत कर दिए, आप स्वागत करते हो क्या? वो तो ट्रायल है क्या? आप ट्रायल कर रहे हो क्या? वो आज भी भिड़ गए, आज भी कालीचरण को भेंट के आ गए आप अभी। ये तो इनकी रीति है, सदा रीत चली आई, प्राण जाए प्रवचन नहीं जो। आपका तो ये कोई टेंशन नहीं है, आप तो वो पार्टी है जो राजनाथ सिंह को जेल में आपने घर में बंद कर दो, आप तो मुरली मनोहर जोशी को आपने तो मुगलों को भी अच्छा करवा दिया अपने घर में बंदिश करके। आप तो अपनों को ही अपनों से बेगाने निकले, आप तो अपनों से बेगाने हो गए। जो जिसको लेके आया आप तो उनको नजर बंद कर दिया। आप तो क्या वसुंधरा का लड़का वसुंधरा जी का आप उत्तराधिकारी नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का चुनाव नहीं लड़ता, कल्याण सिंह कांग्रेस का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता, आपका आदमी तो लड़ सकता है? ये कोई लॉजिक होता है क्या? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़के आते हैं, सारा सिस्टम होता है, आपकी तरफ थोपा नहीं जाता। 74 दिन तक महारानी ने आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, बड़ा दुर्भाग्य है आपका, बड़ा दुर्भाग्य है। 74 दिन तक के 80 दिन भी होता था, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो पूरा उसी तरह से काम कर रहा था कार्यकर्ता। आपको कोई दोष नहीं है, आपकी तरह अनुशासन नहीं। बहुत धन्यवाद, आपका समय कम है तो चले। लबोल अब यह है कि जैसे श्याम शर्मा जी ने कहा भी कि देखिए ये तो चुनाव का वक्त है और इसी तरह से सियासी पारा चढ़ते रहेगा। पहली बार ये कह सकते हैं कि जनसंवाद के नाम पे बुलाया गया है, पहले किसी चीज के शिलान्यास उद्घाटन इनके नाम पे इसी तरह से भीड़ बुलाई जाती थी। क्योंकि अंतर इस वजह से नहीं लग रहा, बेशक बीजेपी इस बात का दावा करती हो कि हमने हमारे विजन से अलग कुछ किया है, लेकिन विश्लेषकों को अलग यूं नहीं लगता। अगर उसी में से अगर किसी से बात प्रधानमंत्री करते उठा करके कि किसी एक जने को बोलते कि आप आइए आप पे बताइए किस योजना का आपको लाभ मिला, क्या लाभ मिला, तो उससे लगता है कि हाँ लाभार्थियों से चर्चा करने है। बात सही है कि 2 से 2.5 लाख लोगों से एक साथ चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन रैंडमली किसी को भी उठाया जा सकता था। हर ब्लॉक से 1-2 लोगों से अगर वो खड़े करके वहीं पे बात करते, इतना सिस्टम इन्होंने लगा रखा था, तो शायद वो एक मैसेज आता है कि हाँ अभी जिन लोगों को वहां पे मंच पे बुलाया गया वो सब ये लग रहा था कि प्रायोजित कार्यक्रम था, पहले से सारा सेट था और भीड़ बुलाई गई। इसी के साथ में चुनावी शंखनाद भी हो गया और वो कहा जाता है कि हींग लगाना फिट करी रंग चोखा आए, तो बीजेपी को भी एक अवसर मिल गया और सरकार की योजनाओं को बुनाने का अवसर मिल गया, प्रधानमंत्री जी को भीड़ देखने का अवसर मिला। और बीजेपी जो 74 दिन से अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के और एक अलग अलग चर्चाएं चल रही थी वो भी थमने के बाद एक बड़ा आयोजन हुआ, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक कहें कि कार्यकर्ताओं को एक सक्रिय करने का एक प्लेटफॉर्म भी मिला। और कांग्रेस भी इसी के नाते एक मार्च निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं को अपना एहसास कराया कि हम भी विरोध के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर हम बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।